As you know, this is a very serious and such an issue which really requires those people who have some sort of concern about the surroundings, about the nation and the governance. And you are left in the hall listening to our key keynote speaker. He has very well elaborated upon the aims and objectives of the society and has given a free call to be associated with it and be proud to have been an instrument of change in society. अगर मैं बात करूं हमें गवर्नेंस की बात करें तो प्रोफेसर अनुज भाई यहाँ पर बैठे हैं इसी कॉलेज के ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के मोर देन 3 decades यहाँ पर सर्व करके स्टिल इज पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ही कीप्स ऑन कमिंग एंड ब्लेसिंग अस एंड गाइडिंग अस. इनकी एक किताब है उसका नाम है मेरी शक्ति यात्रा. इट्स वेरी रेलिवेंट आई थिंक आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग टू यू. मेरी शक्ति यात्रा में इन्होंने ओवर 70 से ऊपर ऐसी शक्तियां गिनाई हैं जो एक मनुष्य के पास है और उन शक्तियों को अगर वो पहचान करके उन पर चलता है बिकॉज समबडी वाज टेलिंग कि अपने आप से डॉक्टर पवन ने भी बताया कि अपने आप से शुरुआत होती है. जब आप अपने आप को एम्पावर करते हैं आप अपने खुद का अनुशासन लेके आते हैं. गवर्नेंस रियली स्टार्ट्स विद इन. अपने इमोशंस को अपने थॉट्स को अपने बिहेवियर को जब हम नियंत्रण में ले आते हैं कंट्रोल में ले आते हैं तो हमारा होना किसी संस्था के लिए किसी समाज के लिए कहीं ना कहीं उसमें एक ऑर्डर एक सिस्टम अपने आप बन जाता है. अगर इंजीनियर साहब यहाँ पर एज अ प्रेजिडेंट हैं इज अ मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द सोसाइटी और दूसरे बाकी तमाम लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं अगर वो इसके लिए समय निकाल रहे हैं पहले तो इनका अपने आप से संकल्प रहा बाद में यही संकल्प उन्होंने दूसरों के साथ साझा किया इस तरह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना. नरेश नाथ एक राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं उनकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा उस स्पिरिट को डेडिकेट करते हुए उसके बाद फिर हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेरेमनी है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे. नरेश नाथ लिखते हैं मेरा तुमसे एक गीत का वादा है. मेरा तुमसे एक गीत का वादा है लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है. इस समाज को हमने ऐसे रचना है धर्म जात भाषा के विष से बचना है. अभी शहीदों का सपना तो आता है मेरा तुमसे एक गीत का वादा है. खुशियों से हर बस्ती को आबाद करो खुद गर्दी में समय नहीं बर्बाद करो. नफरत का क्यों ओढ़ा हुआ लबादा है मेरा तुमसे एक गीत का वादा है. दलित मुस्लिमों पिछड़ों को हम समझाएं नेताओं के ढांचे में ये न आए. कुर्सी की खातिर आरक्षण लाता है मेरा तुमसे एक गीत का वादा है. मेरी सुन लो रामचंद्र अल्लाह रखा मंदिर मस्जिद के झगड़े में क्या रखा. ईश्वर को इससे दुख होता ज्यादा है मेरा तुमसे एक गीत का वादा है. आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे अपने धन
तन बल से हैं हमको चाट रहे और पड़ोसी देश भी बनता दादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, भारत पर हमले को तो जिहाद कहा, अपने सिर पर जपड़ी तो आतंकवाद कहा, अमरीका ने बदला आज इरादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है। अंत में वो लिखते हैं, वीर शिवाजी राणा की संतानों की, वीर शिवाजी राणा की संतानों की, भक्त सिंह आजाद जैसे परवानों की, भारत माँ के प्यारे वीर जवानों की, आजादी के उन्हीं पुराने गानों की, पहले से भी आज जरूरत ज्यादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे पास निर्णय पहुंच चुका है। प्रोफेसर राजीव भाई और डॉक्टर अजय दत्ता ने अपने पूरे मनोयोग से पूरे डेक्लेमेशन कंटेस्ट को देख करके जो बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज एंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमें निर्णय सौंपा है, वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ और अपने प्रतिभागियों को प्रोफेसर को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले मैं उद्घोषणा करूंगा विजेताओं की। आई स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। पूर्णिमा वास्ते ऑफ बीकॉम फाइनल, शी रिसीव्ड कंग्रेचुलेशन कार्ड्स एंड पूर्णिमा वास्ते बीकॉम फाइनल। मनीषा डोगरा इज द रेसिपिएंट ऑफ अनदर कॉन्सोलेशन प्राइज ऑफ बीकॉम फाइनल। मनीषा डोगरा गॉट कॉन्सोलेशन प्राइज। नाउ इज द टर्न ऑफ थर्ड प्राइज विनर एंड दैट इज हरविंदर कौर की फाइनल। सभी विनर्स को मैं बुलाना चाहूंगा ग्रुप फोटो के लिए और कृपया यहाँ पर आएंगे। उसके बाद में सोसाइटी मेंबर्स और अपने कॉलेज के जो स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनको भी सहमत होगा। प्रोफेसर है ऑल्सो इज आर वट ब्रिक्स हैं कॉलेज के, प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस गुड सेरेमनी।
एक आंसर अच्छा आई थी। एक फोटो के लिए मैं सोसाइटी मेंबर्स और